फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो हमारे प्लांट को बूस्टअप देगा और इस तरह की क्यूट से पॉलिनेटर, क्यूट नहीं कह सकते, खतरनाक। तो मेरे लिए तो क्यूट ही है। देख रहे हैं आप इसकी आवाज़, पंखों की आवाज़ सुनिए। मैं इतनी क्लोजअपली वीडियो बना रही हूँ, क्लोजली वीडियो बना रही हूँ कि इनके पंखों की भी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। कैमरा बिल्कुल इस फूल के ऊपर रखा हुआ है। तो इस फर्टिलाइज़र से पॉलिनेटर भी आएंगे, बूस्टअप भी होगा आपका प्लांट, ढेर सारे फ्लावर्स भी आएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र है, ये इस समय किन्नू बहुत आ रहा है और ये 100 रुपीज़ के 3 किलो मिल रहे हैं, 2.5 किलो मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं। तो आप सस्ते भी हैं तो आप इनको खाइए और इनका छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाइए। तो ये आपके प्लांट को बहुत अच्छे बूस्टअप देंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, मिट्टी को एसिडिक बनाएंगे और बहुत अच्छे फूल और फलों का रंग आएगा और पॉलिनेटर भी आएंगे। तो हमारे प्लांट में पॉलिनेटर की बहुत ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, तो उनके लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें पॉलिनेटर को बुलाना पड़ेगा। तो ये उनका काम करेंगे बहुत अच्छे से। तो अब ये हम इन छिलकों का यूज़ करेंगे। आप संतरे तो आप खा लीजिए और छिलके आप डस्टबिन में मत डालिए। देखिए, ये डस्टबिन में बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें यूज़ कीजिए इस तरह से। ये मेरा फर्टिलाइज़र बने हुए रखा है, कम से कम 3 दिन हो गए इसे बनाए हुए। और मैं इस तरह से, ये बकेट मेरी इसी के लिए यूज़ में रहती है। मैं इसमें वेजिटेबल्स हो या फिर ये ऑरेंज हो, इनके संतरों के छिलके या नींबू के छिलके वगैरह सब मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। जैसे ये गुलड़ है या फिर गुलाब है या फिर आपके मोगरा है, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इन्हें एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। अगर एसिडिक मिट्टी नहीं होगी तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। जैसे गंदराज है, उसे भी एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वैसे फ्लावरिंग प्लांट तो सभी होते हैं जिन्हें एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, एक दो छोड़ के बाकी सभी को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और बूस्टअप देता है आपके प्लांट को, और बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आते हैं, बड़े कलर भी अच्छा आता है इनका। आप गुलाब में भी इसे डाल सकते हो इजीली, कोई ऐसा है नहीं इशू। आप, ये मेरे 5 लीटर की बकेट है तो इसे मैं कम से कम 10 लीटर में पानी में मिक्स करके डाल देती हूँ। तो ये इतना सा काफ़ी है 10 इंच के गमले के लिए। तो आप इस तरह से लगाओ पानी को और पूरे प्लांट को अच्छे से। एक तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है तो इसमें कोई डर नहीं, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र आपके 2-4 दाने भी अगर ज़्यादा हो गए, 1 दाना भी ज़्यादा हो गया तो आपके प्लांट जल जाएगा। मगर इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसे ईजिली अपने नींबू के प्लांट में भी दे सकती हो, जितने भी फ्रूट प्लांट है उनमें भी दे सकती हो। और ये काफ़ी अच्छी इसमें स्मेल आती है। मैं ये पूरी 5 लीटर की बकेट भर लेती हूँ, उसमें इस तरह से डाल के थोड़ी सी गुड़ डाल देती हूँ। उसके से 50 ग्राम गुड़ डालूँगी 5 लीटर में और ये पूरी पानी भर के और इसे डाल दूँगी। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो शाम को भिगोइए और नेक्स्ट शाम से यूज़ कर लीजिए। और ज़्यादा दिन के हो जाएगा तो और अच्छा है, और इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक बार ख़त्म करने के बाद में पानी को इसके पल्प में फिर से पानी भर के और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1-2 बार तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके जब पल्प बचे तो इसे कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। तो इसमें एक तो आपके गार्डन में भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जहाँ भी जैसे ही आप गार्डन में जाएंगे तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ऑरेंज की कि बस दिल खुश हो जाता है। तो आप इसे अपने प्लांट के स्प्रेयर में भर के प्लांट पे सारे पे स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो भी मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाई हैं, बहुत आएंगे आपके गार्डन में, रंग बिरंगा गार्डन हो जाएगा, फूलों से भी और बटरफ्लाई से भी। तो बस इतना लो और ये डबल करके, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि मॉइस्चर होता ही है मिट्टी में, तो इस तरह से मैं डाल सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सभी में डाल देती हूँ। तो आप इस तरह से अपने प्लांट में इन्हें यूज़ कीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और प्लांट को बूस्टअप कीजिए, फ्लावरिंग देखिए खूब ढेर सारी। और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, ऐसा नहीं इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े। आप खाइए, अपने प्लांट को पिलाइए और इसे आप ड्राई करके, जैसे अब छिलके हैं आप अगर पानी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई कीजिए और ड्राई करके इसका पाउडर बना लीजिए मिक्सी में ग्राइंड करके, और फिर 1-1 चम्मच अपने सभी प्लांटर में डाल दीजिए तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तभी
उसके लिए बहुत सही रहता है कि स्प्रे करना हो तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर ही डाल दीजिए। अभी देख रहे हैं छोटी सी इसमें ग्लास में मैंने ये कटिंग लगाई थी बर्बीना की, इस पर रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा सभी में डालूंगी, फ्लावरिंग प्लांट कलांचे वगैरह है इन सब में थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये जरा ऐसे छोटे छोटे से पॉट में मैंने लगा रखे हैं और ये फिर भी चल रहे हैं, तो इसकी यही रीज़न है कि इनमें फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। डायंथस है या ये देखिए एक ये प्लांट भी छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है होलीहॉक का, तो ये इस तरह से आप अपने धनिया वगैरह में भी लगा दीजिए। और ये देख रहे हैं ये कितने छोटे 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 से पॉट हैं, ये फ्लावर पॉट जो बनाए हैं मैंने, ये तो बहुत छोटे छोटे से इसमें कितनी फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसका यही रीज़न है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं डालती रहती हूँ। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।